और भाई लोग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको मुंबई से शिरडी जाने का रहेगा तो अपने पास कितने डिफरेंट रूट्स है। तो बेसिकली मैंने 4-5 डिफरेंट रूट्स ट्राई किए हैं, तो मैं आपको पूरा मेरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। लेकिन जो 4 ही मैंने रूट ट्राई किए वो बहुत ही कड़क है, मतलब बहुत ही एक नंबर है। आपका दिल खुश हो जाएगा अगर आपने वो जो रूट लिया जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो पूरा माइंड फ्रेश, पूरा रिलैक्स, एकदम एक नंबर मजा आएगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ तो समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? तो देखते हैं, चलो अभी। तो बेसिकली मैं नालासोपारा रहता हूँ, तो ये अपना जो नॉर्मल रोड है जो कसारा से, तो मैंने गूगल मैप पे डाला था, आप स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो। तो ये नालासोपारा से शिरडी जाने का रहेगा, तो वही कसारा वाला रोड दिखा रहा है। लेकिन अगर आपको मालूम रहेगा तो पहले हम लोग ठाणे से जाते थे, मतलब ठाणे से फिर कसारा फिर इगतपुरी करके शिरडी जाते थे। लेकिन अभी आप जाने का रहेगा, आपको अगर आपको कसारा से ही जाने का रहेगा तो आप लाइक इफ़ यू स्टे इन नायगांव वैसे या नालासोपारा विरार, तो आप डायरेक्ट वज्रेश्वरी से जा सकते हो। मतलब वज्रेश्वरी से सीधा 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 जाने का अपने को, लेकिन जो रोड है वो असिंध की तरफ निकलता है, वज्रेश्वरी टू असिंध। लेकिन अगर आप वो रोड लोगे ना तो इतना छोटा है ना, मतलब अगर सामने से भी बाइक आएगा तो आपका कार है तो कार आपको नीचे उतरना पड़ेगा, नहीं तो रुकना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बहुत ही छोटा रोड है वो। और अगर सामने से कार आए तो आप पूछो ही मत, मतलब क्या बोलूँ मैं। ठीक है, चलेगा। तो बेसिकली ये रूट भी आपको बता देता हूँ। तो ये नालासोपारा स्टेशन है, फिर वज्रेश्वरी जाता है। तो वज्रेश्वरी से हम लोग वाड़ा जाते रहेंगे, आपको बहुत लोग को मालूम रहेगा। तो ये वाड़ा का रूट नहीं लेने का, हम लोग को सीधा ही जाने का। सीधा आप जाओगे फिर ये वसिंद आएगा, फिर आपको शाहपुर जाके अटकाओ, तो आगे का आपको मालूम ही रहेगा, कसारा का रोड, इगतपुरी कसारा का रोड। तो वो एक्सप्लेन नहीं करता हूँ मैं जो मेरा रोड है, जो मैं इस जिसके लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, लाइक आपका दिल खुश हो जाएगा, ऐसा रोड बताने वाला है मैं। तो डालते इधर, तो ये मेरा लोकेशन, मतलब आप मुंबई रहेंगे तो आप उधर मुंबई डाल दो, आपको किलोमीटर पर मालूम पड़ेगा। तो देखो, फिर अगर आप मुंबई कौन सा भी लोकेशन डाल दो, पहले वो डालो, फिर इधर आएगा शिरडी महाराष्ट्र, नहीं ये हम लोग डालेंगे इधर मनोर, ये मनोर, ये देखो नालासोपारा वेस्ट जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से मनोर के लिए 45.7 किलोमीटर है। अगर आप स्क्रीन पहले रिवर्स मारोगे तो आपको देखा रहेगा कि 258 किलोमीटर कुछ तो दिखा रहा था अपने को, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं। अगर आप घूम के भी जाओगे तो 20-25 किलोमीटर बढ़ता है, लेकिन जो माइंड फ्रेश होता है, वाह 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 वाह। तो बेसिकली इधर क्या करने वाले हम लोग, नालासोपारा से मनोर जाएंगे। सो अगर फिर मनोर के बाद और एक ऐड डेस्टिनेशन करेंगे, फिर हो जाएगा वो विक्रमगढ़। अभी ये जो रोड है मनोर से विक्रमगढ़, वो अभी मैं वीडियो डालने वाला हूँ, देखो। तो आपने वीडियो तो देखा ही रहेगा, इतना कुछ है नहीं वैसे वीडियो में, छोटा सा वीडियो बनाया था मैं। लेकिन अगर आपको, मेरे पास गोप्रो था नहीं इसलिए कुछ ठीक ठाक से वीडियो है। लेकिन अगर आप वो रोड पे जाओगे ना तो इतना मजा आने वाला है ना आपको, मोनो से विक्रमगढ़ जाते ही आपका आहा, दिल खुश होने वाला है, दिल खुश। तो फिर मनोर विक्रमगढ़ के बाद आपको किधर जाने का रहेगा, तो आपको जाना रहेगा जवार। देखो ये जवार गए आप, ये देखो ये विक्रमगढ़ से जवार, ये भी रोड मस्त है। मतलब ये देखो, अभी आप नालासोपारा से मनोर जाओगे तो पूरा हाईवे हाईवे लगने वाला है, इतना कुछ मज़ा नहीं आया। मतलब हाईवे पे भी मज़ा आता है, लेकिन इतना सीनरी देखने नहीं मिलता कि हाईवे पे आराम से गाड़ी चलाना है, इधर उधर देखने का नहीं हाईवे पे। तो अगर आप मनोर से राइट लेते हो ना, तो मनोर से विक्रमगढ़ जवार का जो रोड है, वाह 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 वाह, दिल खुश कर देगा। फिर आपको जाने का है, जवार से जाने का है त्र्यंबकेश्वर। तो ये देखो, ये रूट है अपना बेसिकली त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए। तो हम लोग ने क्या किया था, हम लोग 7 बजे निकले थे मेरे घर से और पहुंच गए थे 9:30 बजे त्र्यंबकेश्वर। फिर अगर आपको शिरडी जाना रहेगा ना, तो एक प्लान है, देखो आप घर से निकलते हो तो घर से पहले जाओ त्र्यंबकेश्वर, शिव मंदिर है उधर, मस्त दर्शन वर्शन ले लो
नाश्ता विश्ता कर लो, अगर आप सुबह निकलते हो नाश्ता कर लो, दोपहर में पहुंचे तो लंच कर लो, कुछ भी कर लो उधर, अच्छा है बहुत, होटल भी अच्छे, खाना भी अच्छा मिलता है उधर त्र्यंबकेश्वर के इधर। तो ये जो बेसिकली रोड है, तो आप मनोर, आपको मनोर जाने का, मनोर से राइट लेने का है। आप मनोर से राइट लोगे तो आएगा आपका विक्रमगढ़ आएगा, फिर विक्रमगढ़ से आपको जाने का है जवार, जवार से फिर जाने का है त्र्यंबक, और फिर त्र्यंबक से आपको जाने का है नासिक। ये हम लोग पहुंच गए नासिक, तो फिर नासिक से फिर अपना डायरेक्ट एट डेस्टिनेशन करके सिन्नर पकड़ के फिर शिरडी। यस ब्रो शिरडी। तो ये देखो ये ज़्यादा कुछ 262 किलोमीटर बोलो, जो हम लोग गूगल मैप बताया तो 238 किलोमीटर था, ये 262 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का कुछ फर्क है सिर्फ। लेकिन इतना मजा आने वाला है ना आपको, मतलब ये मनोर टू त्र्यंबकेश्वर जो रोड है ना यार, दिल खुश कर देगा आपको। ठीक है, फिर ये अपना हो गया 412, मनोर, विक्रमगढ़, जवार, त्र्यंबकेश्वर, नासिक और शिरडी, ये एक आपको रूट है। ओके, फिर आपको अगर और घूम के जाना रहेगा ना, तो क्या आप क्या करोगे मालूम है, आपको जाना रहेगा मनोर से राइट नहीं लेने का, मनोर से राइट नहीं लेने का, डायरेक्ट जाने का कासा। ये अगर आप इधर देख सकते हो ये कासा, चलो मैं इधर मनोर का हटा देता हूँ और इधर डाल देता हूँ कासा, ऐसे कासा। अरे रे 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 कासा, ये देखो कासा महाराष्ट्र। फिर आपको विक्रमगढ़ नहीं जाना है, उल्टा पड़ेगा कासा जाके फिर से रिटर्न आने का, फिर से ऐसा नहीं, कासा से फिर डायरेक्ट जाने का जवार। ये भी रोड मस्त है, लेकिन थोड़ा दूर पड़ेगा आपको ये, अभी इतना इसका कितना किलोमीटर है, 282 किलोमीटर है टोटल। ठीक सकते हैं आप, जा सकते हो ये रोड से, ये भी रोड अच्छा है, लेकिन आपको जल्दी जाना रहेगा तो मनोर विक्रमगढ़ वाला ही रोड मस्त है, वो ही ले लो आप। अगर आपको घूम के ही जाना है इतना आराम से विराम से, तो आप कासा जवार करके हो जा सकते हो, वो भी रोड बहुत ही अच्छा है। आप अभी मैं ये कब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 7 फरवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं लास्ट मंथ ही जाके आया था। तो बेसिकली कासा से जवार और फिर त्र्यंबकेश्वर का जो रोड है वो अच्छा है, और ये मनोर विक्रमगढ़ और जवार और त्र्यंबकेश्वर का जो रोड है वो थोड़ा ख़राब है, मतलब खड्डा विड्डा है लेकिन रोड खराब है, ठीक ठाक है, मतलब इतना भी खराब नहीं है, ठीक ठाक है रोड। तो आप ये कर सकते हो, ये हो गया अपना दो। अभी अभी आपको अगर शिरडी से रिटर्न आने का, ये उसको उल्टा कर देते हैं भाई भाई, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये पूरा क्लियर कर देते हैं और मैं आपको पूरा बता देता हूँ कासा नहीं। अगर आप शिरडी जाते टाइम ये दोनों में से कौन सा भी आप रूट ले सकते हो, बहुत ही अच्छा रूट है। ये हम लोग जा रहे हैं शिरडी से, और रिटर्न आते टाइम एक नंबर, मतलब ऐसा रिटर्न आते टाइम लगना नहीं चाहिए कि यार यार क्या रिटर्न जा रहे हैं घर पे, नॉर्मल रोड ऐसा नहीं, नॉर्मल रोड नहीं लेने का अपने को। आते टाइम भी हम लोग को क्या करने का है अभी मालूम, शिरडी से जाने का अपने को नासिक, ये भाई क्लियर हो जाएगा, शिरडी से नासिक जाने का है। नासिक से ये जो रोड बताने वाला हूँ ना आपको, जो दिल खुश कर देगा आपका, हाँ, खोड़ाला, इससे बढ़िया रोड मैंने अभी तक नहीं देखा, मतलब मैं इतना घुमाऊँ, इतना भी नहीं घुमा, घुमा है ठीक ठाक सा घुमाऊँ, लेकिन नासिक से खोड़ाला का जो रोड है दिल खुश कर देता भाई भाई, मतलब एक नंबर वाला मज़ा कर देता अपने को। फिर जो खोड़ाला से आप आओगे ना, खोड़ाला से, हाँ इसका भी मैं वीडियो डालता हूँ ये रोड का, लेकिन ये पूरा वीडियो नहीं है मेरे पास, थोड़ा ही वीडियो है, सो आपको अगर अंदाजा आ जाएगा तो ठीक है। लेकिन खोड़ाला से वाड़ा का जो घाट लगता है अपने को पूरा, मतलब नीचे उतरने का अपने को खोड़ाला से वाड़ा जो मजा आता है ना, हाँ, दिल खुश हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। तो बेसिकली ये देखो, ये हम लोग शिरडी से निकले, नासिक पहुँचे, नासिक से हम लोग गए खोड़ाला, खोड़ाला से हम लोग गए वाड़ा, वाड़ाला से वाड़ा सॉरी वाड़ाला बोल रहा मैं, वाड़ा से जाने का अपने को वज्रेश्वरी, वज्रेश्वरी से अपने को आने का है नाला सोपारा, मतलब आपके जो, चलो आपका जो डेस्टिनेशन है वो डाल दो फिर आप पहुंच जाएंगे। और मैं ऐसा क्यों बोला, अगर आप वाड़ा से मनोर जाओगे ना तो आपको टोल लगेगा, अगर आप वज्रेश्वरी से आते हो ना तो वज्रेश्वरी से आपको टोल नहीं लगने का, मतलब टोल लगेगा नहीं। हाँ मैं सॉरी स्टार्टिंग में बोलना भूल गया, इधर एक टोल है, अगर आप मनोर जाओगे तो एक टोल लगेगा, और अगर आप कासा जाओगे तो आपको दो टोल लगेगा भाई, दो टोल लगेगा भाई भाई। सो मनोर ही ले लो,
मनोर तक एक टोल है, फिर मनोर के बाद कासा अगर आप जाने वाले हो तो उधर एक टोल है। सो दो टोल मिलेंगे आपको अगर आप मनोर से सीधा जाते हो। अगर मनोर से आप राइट मारते हो विक्रमगढ़ के लिए तो एक ही टोल लगने वाला है अपने को। ओके तो आते टाइम जरूर भाई, अगर जाते टाइम मेरा नहीं सुना इधर से नहीं जाने का, लेकिन आते टाइम भाई लोग ये पक्का रोड लेने का, जो वीडियो में दिख रहा है आपको ऊपर किधर तो दिखना रहेगा। ये मेरा पहला वीडियो है भाई लोग, तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं है कि कैसा एडिट करने का, लेकिन आपको दिखेगा इधर किधर तो ये लेने का अपने को। ये आते टाइम पक्का लेना आप, नासिक से खोड़ाला से वाड़ा, ये तो आपको पक्का लेने का। वाड़ा से नासिक से जो वाड़ा का रोड है ना वो आपको पक्का लेने का है, मतलब एक नंबर है वो। ओके प्लीज़ अगर ये है और आते टाइम आप पक गए हो थक गए हो तो डायरेक्ट कसारा से आ जाओ, मस्त है वो रोड भी। लेकिन उससे अच्छा रोड तो मैं सच में बोलता हूँ तो नासिक से खोड़ाला ही आना, मेरा बात सुनो, नासिक से खोड़ाला से वाड़ा ये रूट ही करके आना, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। और बस इतना ही, अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए मेरे को कितना खर्चा आया या आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो खर्चा, लाइक आपको कितना खर्चा आएगा तो मेरे को कमेंट में बता दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपको इतना इतना खर्चा आएगा, इतना इतना टोल लगेगा। मेरे को सिर्फ मतलब आपका सोर्स बताओ और डेस्टिनेशन, मतलब डेस्टिनेशन शिरडी पकड़ के चलेगा मैं, दूसरा आएगा तो वो भी बता सकता हूँ या फिर मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भाई, भाई सब्सक्राइब कर देना भाई। और हाँ, आपका कुछ अगर फिर आपको अगर चाहिए कि मैं वीडियो बनाऊँ कि टोटल कितना फाइनेंशियल खर्चा आएगा या फिर कितना टाइम लगेगा, कितना अपना खर्चा होगा, होटल कौन सा अच्छा है शिरडी में, या फिर कुछ अलग आपको कुछ चाहिए रहेगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो ये हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड चाहिए तो मेरा एक्सेल शीट भी मैं बनाता हूँ ऐसे कि इधर बाहर जाना रहेगा तो मतलब कितने तारीख को निकला मैं, कितना टाइम हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितने बजे मैं पहुँचा, कितने बजे निकला, ये सब पूरा डिटेलिंग रखता है मैं अपने पास, समझिएगा वीडियो। तो आपको चाहिए रहेगा तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपके लिए भी, अगर आप चाहिए जैसे कि मैं बोला तो आपको सिर्फ सोर्स और डेस्टिनेशन डाल दो, मैं आपको प्राइस और गाड़ी वीडी का सब बता दूंगा, होटल भी बता दूंगा। तो और अगर आपको वीडियो चाहिए रहेगा दूसरा डेस्टिनेशन के लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भाई, लाइक कर देना, शेयर कर देना, वाह 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 वाह। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज माई फर्स्ट वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, हाँ ये फिर से रिपीट करने वाला है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, क्यों बज रहा है। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पे आए हो और अगर आप वो रूट ले रिकॉर्ड इतना कर रहे थे, स्क्रीनर रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे।